أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ولا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وحمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدهزوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن سلم من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. आज की जो सूरत शुरू हुई है वो सूरतुल मोमिन, तो आले फिरौन में एक मोमिन का जिक्र है जिस ईमान वाला था, तो वो मूसा अलैहि सलाम को आके बोलता है कि जो है आप ऐसे निकल कर चले जाओ, ये लोग आपकी कत्ल की तैयारी कर रहे हैं। तो उस मुनासिबत से इसका नाम सूरह मोमिन रखा गया है। सूरतों का जो नाम है किसी अंदर किसी लफ्ज़ की वजह से नाम रखा जाता है। सूरह बकरा गाय ज़ुबा खाने हुक्म था करके वो बकरा, तो ऐसा नहीं कि बकरा के बारे में पूरे तफसील आते हैं, वैसा नहीं। सूरतें बतूर अलामत के नाम जो है बतूर अलामत के हैं जो नाम है। तो हामीम हरूफ मुकत्तात है। नाजिल करना इस किताब का अल्लाह की तरफ से जो ज़बरदस्त है और सब कुछ जानने वाला है, गुनाहों का बख्शने वाला है और तौबा का कबूल करने वाला है, सख्त अजाब भी देने वाला है और बड़ी कुदरत वाला है। उसके सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, इसी की तरफ सबको लौट कर जाना भी है। और वही लोग इसमें झगड़े निकालते हैं अल्लाह की बातों में जो इनकार करने वाले हैं, तो इनकी शहरों में चलत फिरत तुमको धोखे में न डाले। बहुत एडवांस हैं, बहुत तरक्की याफ्ता करके तुम्हें धोखे मत पड़ो। इससे पहले झुटला चुके हैं कौम नूह और कई जो है बहुत सारी जो है फ़िरके, यानी बहुत सी जमातें उनके बाद। हर एक ने हमारे रसूल को इस बात का इरादा किया कि हमारे रसूल के साथ जो है झगड़ा करें, उनको नीचा दिखाएं, तो फिर मैंने उनको पकड़ लिया। अल्लाह ताला करे देखो मेरी गिरफ्त कैसी सख्त थी, मेरा पकड़ना कैसा सख्त। कौन इस तरह ठीक बात तुम्हारे रब की हुई उन लोगों पर जिन्होंने इनकार किया कि ये लोग कल जहन्नम में जाने वाले होंगे। जो अल्लाह का रज उठाए फरिश्ते हैं इसके गिर्द अल्लाह की पाकी बयान करते हैं हमद के साथ, और अल्लाह पर पूरी तरह यकीन रखने वाले हैं, और जो लोग ईमान लाए उनके लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं फरिश्ते। आमिला ने अर्श अरज उठाए फरिश्ते ईमान वालों के लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, क्या करें ऐ हमारे परवरदिगार, तेरी हर चीज़ में तेरी रहमत समाई हुई है, तेरी रहमत और इल्म हर चीज़ को अपने गिरफ्त में लिए हुए है। तो जो लोग ईमान लाए और तौबा करें और तेरे रास्ते पर चलें तो उनको जहन्नम के अजाब से बचा, उनको माफ़ कर दे। फरिश्ते दुआ कर रहे हैं ईमान वालों के लिए। आमिला ने अर्ज़ और इनको नहीं है हमारे रब
उनको जन्नत में दाखिल कर, जो हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं इसका तूने वादा किया है, और वो जो उनके आबा में, उनकी उनके बापों में और उनकी बीवियों में और उनके औलाद में जो भी सवाले हैं उनको दाखिल कर, उनको ही दाखिल ना कर, बल्कि उनके साथ साथ उनके बाप दादा जो भी हैं, उनके औलाद है, उनकी बीवियाँ, उन सबको जन्नत दाखिल कर। फरिश्ते दुआ कर, बेशक तू ज़बरदस्त है और सारी हिकमतों का जानने वाला है, और तू उनको तमाम हर किस्म के बुराइयों से बचा दे। जिसको तू बुराइयों से बचाए उस दिन, यानी अजाब से, वहाँ के अजाब से उस दिन बचाए तू, तो वही लोग, बस तूने उस पर रहम कर दिया और यही सबसे बड़ी कामयाबी। तो बहुत सारे फ़ज़ाइल इस सूरतों के आए हैं। सूरह मोमिन की खसूसियात, तो ये जैसा मालूम है सूरतुल मोमिन मक्कियतुन, तो मक्की सूरतों के अंदर, एक दो नहीं तमाम मक्की सूरतों के अंदर जो दीन के बुनियादी अकायद हैं, दीन का बुनियादी अकीदा क्या है, तौहीद, आखिरत और रिसालत, उसी को मुख्तलिफ तरीके से पेश किया गया है। अब सुनने वाले कैसे हैं, फिर जो है दलाइल दिए गए, शुबात को दूर किया गया है। एक ही बात बार बार आती है तो ऐसा नहीं कि जो, इसलिए अल्लाह ताला उसको अलग अलग अंदाज से बयान कर। सूरह मोमिन की खसूसियात, यहाँ से सूरह अहकाफ़ तक 7 सूरतें हैं सूरह मोमिन, इसके बाद जो है जो सूरतें हैं तो तमाम सूरतें हामिम से शुरू होती हैं। तो ये हरूफ़ मुक़त्तात हैं, यानी उसके माने अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। सूरह काफ तक, सूरह मोमिन, सूरह हामिम सजदा, एक अलिफ लाम मीम सजदा है, सूरह हामिम सजदा, सूरह शोरा, सूरह ज़ुख़रुफ़, सूरह दुखान, सूरह जासिया, सूरह काफ, ये 7 सूरतें हामिम से शुरू होती हैं। इनको आल हामीम कहा जाता है, या हवामीम कहा जाता है जमा। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि आल हामीम दीबाजुल कुरान है, दीबाज कहते हैं रेशमी कपड़े को, मुराद से जीनत है, कुरान की जीनत है 7 सूरत। मिसर बिन किदाम फरमाते हैं कि इनको अराइस कहा गया, यानी दुल्हने, यानी बनाओ सिंगार करके रखते हैं ना, तो वैसे यानी कुरान की जीनत, दूसरे अल्फाज में कुरान की जीनत है। हज़रत बिन अब्बास फरमाते हैं हर चीज़ का खुलासा होता है और मगज़ होता है, कुरान का खुलासा जो है आल हामीम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कुरान की मिसाल ऐसी जैसे कोई शख्स अपने अहलोयाल के लिए, उनके लिए जगह तलाश करने निकला, कहाँ सेटल करना हमारे घर वालों को, ऐसा बोल तो किसी हरे भरे मैदान को देखकर खुश हो रहा था, अचानक आगे बढ़ा तो जो है बागात नज़र आ गए उसको, जिसकी ज़मीन उगाने का मादा सबसे ज़्यादा है, ज़मीन में उगाने का मादा है। इनको देखकर कहने लगा, अरे मैं तो पहले बारिश की पहली हलचल देखकर ताज्जुब कर रहा हूँ, ये तो उससे पहले ज़मीन अच्छी थी, आगे और गए तो बागात आ गए, उससे अजीब तरह है। उसने कहा कि उससे ये कहा गया जाए कि पहली हरियाली और सब्ज़ी की आम मिसाल कुरान की है, और ये जो बागात हैं ये सूरतें हैं 7 आल हामीम की मिसाल है। इसलिए अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं जब मैं तलावत करते हुए आल हामीम पर आ जाता हूँ तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं तफरी कर रहा हूँ, क्या बागात नहीं आया, मैं तफरी कर रहा हूँ क्या, मुझे ऐसा मालूम होता है। मुसनद बज़्ज़ाज़ हदीस किताब में अपनी सनद के साथ अबू हुरैरा से रिवायत, अल्लाह के लिए फरमाया शुरू दिन में आयतुल कुर्सी और सूरह मोमिन की पहली 3 आयतें, हामीम तंजुल किताब में अल्लाह अज़ीज़ुद्दीन ग़ाफ़िर ज़म्बी क़ाबिल तौबा रशीद ग़ज़ीर तौला अल-मसीह, ये 3 आयतें पढ़ेगा तो वो इस दिन हर बुराई और तकलीफ़ से महफूज रहेगा। जो आयतुल कुर्सी और ये 3 आयतें पढ़ेगा तो हर बुराई से महफूज रहेगा। दुश्मन से हिफाजत, अबू दाऊद व तिर्मिज़ी में हज़रत मुहलिब बिन अबी सफरा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया मुझे एक शख्स की रिवायत की, इसने खुद अल्लाह के रसूल से सुना, आप किसी जहाद के मौके पर रात में हिफाजत के लिए फरमा रहे थे, अगर रात में तुम पर छापा मारा जाए तो तुम हामीम ला युनसरून, मदद न की जाए इन लोगों की, पढ़ लेना।
इसका असिले के हामिम के साथ ये दुआ करना कि हमारा दुश्मन कामयाब ना हो। बाज रिवायत में हामिम ला युनसुरू ये भी आया है, नून के बगैर आया है, जिसका असिले जब तुम हामिम कहोगे तो दुश्मन कामयाब ना होगा। इससे मालूम हुआ है कि हामिम दुश्मन से हिफाजत का खिला है। साबित बनानी फरमाते हैं कि मैं हज़रत मुसअब बिन ज़ुबैर के साथ कोने में कूफा में के इलाके में था, मैं एक बाग के अंदर चला गया कि दो रकात नमाज़ पढ़ लूँ। मैंने नमाज में पहले हामिम अलमोमी की तिलावत की इलाही मस्जिद पढ़ी। अचानक एक शख्स मेरे पीछे सफ़ेद खच्चर पर सवार खड़ा है, जिसके बदर पर यमनी चादर है। इस शख्स ने मुझसे कहा कि जब तुम गाफिर ज़म्बी, इसमें ना तंजील किताब में अल्लाह लज़ीम, गाफिर ज़म्बी गुनाह का माफ़ करने वाला कहो तो उसके साथ दुआ करो। ये सब नफिल नमाज में है या कुरान पढ़ते होते हैं। गाफिर ज़म्बी कहते या गाफिर ज़म्बी फिर ली कहो, अरे गुनाह को माफ़ करने वाले मेरे गुनाह को माफ़ कर दे, और फिर तुम काबिल तौबी तौबा का कबूल करने वाला पढ़ो तो ये कहो या काबिल तौबी इकबिल तौबती, मेरी तौबा कबूल फरमा। फिर जब तुम शदीदुल इक़ाब पढ़ो तो या शदीदुल इक़ाब तुआक़िबनी, अए सख्त अजाब देने वाले तो मुझे अजाब से बचा, मुझे अजाब न दे। ज़िद तौल यानी पढ़ो, यानी करम करने वाला, ज़्यादा देने वाला। तो ये दुआ पढ़ो कि या ज़िद तौली तुल अलई बिखैरिन, अए इनाम एहसान करने वाले तो मुझ पर इनाम फरमा, ये पढ़ो। साबित बन कहते हैं कि नसीहत सुनने के बाद जो इधर देखता हूँ तो आदमी नहीं था, वो मैं बाग में तलाश किया, दरवाजे पर आया, सब लोगों को पूछा, एक आदमी ऐसा आया था यमीनी लिबास में था, यमनी लिबास में था, यहाँ से गुजरा, सब ने कहा कि ऐसा आदमी हमने देखा नहीं। तो वो कहते हैं कि शायद ये इलियास अलैहिस्सलाम थे, बाकी जो इस तरह से कहकर गए। बहरहाल किस तरह वाक़ पेश आया। इन आयत की तासीर इस्लाह खल्क़ में इब्ने कसीर ने इब्ने हातिम की सनद से रिवायत किया है कि अहले शाम एक बड़ा बारवाब आदमी था और हज़रत उमर फारूक के जरिए आया करता था, ईमान लाया था, तक़वा परहेज़गारी पर था, फिर आना छोड़ दिया उन्हें। तो बोले कि क्यों नहीं आ रहे, देखो आदमी क्या है, हमारे पास आता जाने वाला आदमी क्यों नहीं आ रहा है, क्या है। लोगों ने पूछा कि हज़रत, लोगों ने जाके देखा, देखा कि हज़रत उमर फारूक से बयान किया, अमीर उम्मीन वो तो हुआ अपने शराब ये वो सब कर रहा है, देखो अपने बदमस्त है, सब छोड़ दिया है, दीन का रास्ता छोड़ दिया है वो। तो उमर फारूक ने बुलाया, अपने कातिब को बुलाया, लिख मिन उमर बिन खत्ताब इला फलान, उसका नाम सलाम अलैक, तुझ पर सलाम हो, फैन अहमद इलैक अल्लाह, मैं अल्लाह की हम करता हूँ जिससे कोई माबूद नहीं है। उसके बाद ये आयतें लिखी उसे, गाफिर ज़म्बी काबिल तौबी, अल्लाह माफ़ करने वाला, तौबा कबूल करने वाला, शदीद लिखाब तौल है, बड़ी कुदरत वाला है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उस लौट कर सब उसके पास जाना, इतनी आयतें लिखकर उसको भेज दिया। हाजिरी ने मजलिस से कहा कि सब मिलकर इसके लिए दुआ करो, अल्लाह इसके दिल को फेर दे। फारूक आज़म ने जिस कासिद से खत भेजा था उसको हिदायत कर दी थी कि ये खत इसको इस वक्त तक जब तक नशे से होश में ना आया जाए, नशे की हालत नको दे, जब होश में आता जब दो दूसरे के हवाले ना करे, उसी आदमी को दो। तो वो जो है जाके दे दिया। जब वो खत उसके आदमी के पास पहुंचा तो उसने पढ़ा, तो बार बार ही पढ़ता था, काफिर ज़म्बी काबिल तौबी शरीर लिताब जितो लाल नसीर। तो उसमें अल्लाह से डराया भी गया, अल्लाह से उम्मीद भी डलाएगी, गुनाह को माफ़ करने वाला, तौबा कबूल करने वाला, शरीर सख्त पकड़ने वाला, इनाम इकराम करने वाला, अल्लाह की जो है गिरफ्त भी है, अल्लाह से जो है इनायत भी है। तो ये बार बार पढ़ता रहा और गौर करता रहा उसने, मुझे इस तरह डराया भी गया और माफ़ करने का वादा भी किया गया, फिर रोने लगा और फिर जो है अपनी सारी बुराइयों को छोड़कर तौबा किया, ऐसी तौबा किया कि फिर गुनाह की तरफ नहीं गया। फौरन जब इसकी असर खबर मिली तो लोगों से फरमाया कि इस मामले में तुम लोगों को ऐसा ही करना चाहिए,
कोई भाई अगर किसी गलती में मुबतला हो जाए दुरुस्त कराने की फिक्र न करो, इसको अल्लाह की रहमत का भरोसा दिलाओ, अल्लाह से इसके लिए दुआ करो कि वो तौबा कर ले। तुम शैतान के मुकाबले गाला मत, ये गाला देना ना बोल, तू ऐसा हो गया फला होगा, ये मत बोलो, उसको बुरा भला कहकर उसको गुस्सा दिलाकर दीन से दूर ना करो, ये तो शैतान की मदद होगी। जो लोग इस्लाह खल्क और तबलीग और दावत की खिदमत अंजाम देने वाले हैं, इनके लिए हिकायत में बहुत बड़ी हिदायत है। जिस शख्स की इस्लाह मकसूद हो इसके लिए खुद भी दुआ करो, फिर नरम तदाबीर के साथ इसको दुरुस्ती लाने की कोशिश करो। इश्तियाल अंगेजी इख्तियार ना करो, इससे नफा नहीं पहुँचेगा बल्कि शैतान की मदद होगी। इसके फ़ज़ाइल हैं, इंशाअल्लाह इसकी तफ़सीर कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़ीना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अन्फुसना वइन लम तग़फिर लना वतरहमना लकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। इन्ना अल्लाहा मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله